दोस्तों आज हम बात करेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न की, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उसका टारगेट कैसे निकालते हैं, उसमें स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं और एंट्री एग्जिट क्या होती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, फॉल्स ब्रेकआउट कैसे देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं दबाएंगे तो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो सीधा चलते हैं हमारे चार्ट पे। तो दोस्तों जो आपने उसमें थंबनेल में देख लिया है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न यानी कि जो आप चाय पीते हैं अपने घरों में जिस कप से जिस मग से, उसको बोलते हैं कप विद हैंडल। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ वो बना के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ से हम आएंगे कर्व लेने। तो यहाँ पर डाला और यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। ये बन जाता है हमारा कप, ठीक है दोस्तों। जो हम चाय पीते हैं वो वाला कप बन गया। फिर से हम वही कर्व लेके आए और अब हम बनाएंगे हैंडल। ये छोड़ा यहाँ पर और इसको कर दिया नीचे, ठीक है। अब ये तो बन गया कप विद हैंडल। अब हम इसको देखेंगे कि ये कन्फर्म कब होता है या फेल हम इसको कब मानेंगे और इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है या क्या महत्व होता है। तो अब हमने ले लिया है ये हॉरिजॉन्टल होरे लाइन, यानी कि ये जो पिछला यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कप का, और ये जो एंडिंग पॉइंट है कप का और स्टार्टिंग पॉइंट है हैंडल का। मैं फिर से बता दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। स्टार्टिंग पॉइंट मग का यानी कि जो कप रहता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है कप का, और यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है हैंडल का, जिसको अपन उंगली डाल के जो पकड़ते हैं, जो हैंडल पकड़ते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर हैंडल का एंड होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि यहाँ से ये लाइन डाल दी इसके ऊपर, ठीक है। अब आप चाहें तो एकदम एग्जैक्ट ये जो कैंडल जहाँ क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कैंडल स्टिक में, कहीं भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना। अब ये देखिए आपके सामने यहाँ से कप स्टार्ट हुआ बनना, नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पर कप की डिज़ाइन या कप बन गया हमारा। ये हमने यहाँ से लिया और ये यहाँ पर एंड हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा हैंडल भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो चार्ट पैटर्न है ये कप विथ हैंडल बन गया है। अब इसको कब सफल मानेंगे और कब असफल मानेंगे। अब आज की जो 102 रुपये 15 पैसे की जो क्लोजिंग आपके सामने दिख रही है दोस्तों, वो एकदम पैटर्न को तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पैटर्न पास हुआ है या फेल हुआ है इसके लिए हमें आज मार्केट खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो समय हो रहा है वो हो रहा है 8:47, यानी कि हमें मोटा मोटी आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा इस पैटर्न को देखने में कि ये फेल होगा या पास होगा। तो कुछ ज़्यादा देर नहीं है दोस्तों, हालांकि हम आधा घंटा नहीं रुकेंगे इस पैटर्न को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आप जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा तब तक मार्केट खुल चुका होगा। तो आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस के सिंपल से चार्ट पैटर्न को दिखाना चाहता हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इस चार्ट पैटर्न को सीख लीजिए और इसकी स्टडी कीजिए, ठीक है दोस्तों, और अच्छा प्रॉफिट कमाइए। अब इसका हम टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो दोस्तों जब भी ये 102 या जो 102 छोड़िए आप तो नंबर पे ध्यान मत दीजिए, जब भी ये जो ऊपर जो आड़ी लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो जब आप तीनों पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि इसके से इस सिरे से और इस सिरे से इस सिरे को, ये तीनों लाइन जहाँ मिल जाएगी, और दोस्तों ऐसा भी नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सीधी होगी, यदि वो अब ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में बन रहा है तब भी ये जो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है ये वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ये खड़े पे ही बनना चाहिए, ये उल्टा भी बन सकता है, ये जो बना है अभी ऐसा बन सकता है और ये आड़ा तिरछा भी बन सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझा लूँ कर, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर ये किस तरह बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा बन गया कप। अब फिर हमें वापस इसको लेना है, अब हैंडल बनाएंगे। तो अब ये लिया और ये नॉर्मली हैंडल छोटा ही होता है जैसे हम नीचे चार्ट में देख रहे हैं, तो ये हमने बना दिया कप और हैंडल। तो ये ऐसा बन सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब अब क्या सोच रहे होंगे मुझे पता है कि ऐसा आएगा, फिर हम चेक करेंगे कि ये हमने कप बना दिया, ठीक है, और फिर हम जाएंगे फिर इसको लेंगे और यहाँ से हमने हैंडल बना दिया। तो दोस्तों ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यही वैलिड रहेगा, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फेल होना और वैलिड होना
ये बाद का मैटर है, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है दोस्तों, और ये आप लोगों के हाथ में भी नहीं है, और ऐसा सोचना भी मत है कि आप अपने हाथों में ले लेंगे इस चीज़ को। ये मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का मोमेंटम किस हिसाब से है, मार्केट में जो न्यूज़ फ्लो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगता है और इसका टारगेट क्या लगता है। तो टारगेट देखने के लिए मैं आपको छोटा सा एक हिंट बता देता हूँ, उसको आप हर बार बना लीजिएगा और यूज़ कीजिएगा। कि मुझे दोस्तों अभी ये नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मुझे थोड़ा सा इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मैं इसे आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे जो बॉटम है, बॉटम यानी कि इसका जो लो बनाया है इसने, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये जो लो है ये बना है 11 अक्टूबर के आसपास ये वाले, और 86 रुपये की कीमत थी, ठीक है। और अब 102, अब 102 और 86 में दोस्तों मोटा मोटी 14-15 रुपये का अंतर है, 15 रुपये या 16 रुपये का अंतर है, तो हम 15 रुपये राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 रुपये का ही ऊपर साइड टारगेट रहेगा। अब 15 रुपये कमाने के लिए ज़रूरत है नहीं कि दोस्तों आप 15 रुपये दाव पे लगाएंगे, तो अब हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है, यानी कि ये मैंने तो आपको अभी बता दिया टारगेट, टारगेट इसका जो बन रहा है वो 15 रुपये, यानी कि 115 रुपये बन रहा है, यहाँ से 102 से 115 रुपये के आसपास ऊपर यहाँ तक का टारगेट बन रहा है इसका। क्योंकि दोस्तों यहाँ से लगाकर, जहाँ भी आप ये माउस का जो हाथ देख रहे हैं, यहाँ से लगाकर जो इसका लो रहता है, ये जो जितनी गैप रहती है, जितने रुपये की जो गैप रहती है, उतना ही ऊपर ये टारगेट बनता है, ठीक है दोस्तों। अब स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या देखना है कि जैसे ये ऊपर जाएगा तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं कि अब मार्केट खुलता ही हम ट्रेड ले लेंगे। जब ये ऊपर जाएगा और 1 से 2 दिन यहाँ पर सस्टेन करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों ऊपर गया और आपने ट्रेड ले लिया, बहुत जल्दबाजी ना करिए। क्योंकि होता क्या है कि बुल्स को ट्रैप करने के लिए भी जो ऑपरेटर लोग रहते हैं वो जानबूझ के स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं और वापस नीचे ले आते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, दो दिन स्टॉक ऊपर गया, हाई बना है, लेकिन क्लोजिंग इस लाइन के नीचे ही गई थी। अब आप बोल रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो हाई बनाया था इसके हाई के ऊपर ही अगर क्लोजिंग होता तो हम इसमें लॉन्ग्स करते हैं। और लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचता, चलो यार दिन में कीमत ऊपर निकल गई हम बाय कर लेते हैं। दोस्तों कभी भी आप टीवी पे एनालिस्ट को देखते हैं या किसी किताब में पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल में पढ़ते हैं, वो यही बताते हैं आपको कि क्लोजिंग बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्लोजिंग बेसिस पे ही आपको टारगेट। और ये सारी क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये है दोस्तों कि जो मार्केट के रियल प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, ऑपरेटर हैं, उनका पास उनका पैसा, बहुत सारा पैसा उनमें लगा रहता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे इसलिए बोलते हैं कि दिन भर में तो ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। देखिए इस केस में देखिए जो हाई लगा है वो लगा है 103 का, और इसमें हाई लगा है 103 रुपये 95 पैसे, ठीक है। और इसमें जो हाई है 103 रुपये 75 पैसे का, लेकिन क्लोज हुआ 101 रुपये 95 पैसे, और इसमें क्लोज हुआ 101 रुपये 90 पैसे, यानी कि हाई से 1-1% नीचे। अब मान लीजिए 103 में यहाँ पर दोनों दिन किसी ने तो खरीदा, तभी कीमत ऊपर गई, लेकिन वो ट्रैप हो गए। अब ट्रैप होने में क्या होता है, आदमी स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाता है और स्टॉक मार्केट को बुरा बताने लगता है, जबकि बुरा नहीं दोस्तों, हमको एकदम माइंड गेम की तरह खेलना है इसको। तो यहाँ पर भी जब कीमत यहाँ चली जाए 103 पे, तो आपको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना, आपको देखना है कि अगर 102 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है 1 से 2 दिन, तभी हम तेज़ी लेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलेगा 102 के ऊपर और डायरेक्ट 115 पे चले जाएगा आज ही, और फिर हमको कभी मौका नहीं मिलेगा। हमको वेट करना है कन्फर्मेशन का, और जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिलेगा, हमें ये जो कैंडल है इनके लो का, यानी कि इस कैंडल का लो 102 रुपये, यानी कि 103-104 पर जब भी हम इसको बाई करेंगे, हमें 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपये का टारगेट, यानी कि 1:3, 1:4 का रिस्क रिवार्ड लेके हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं दोस्तों 1:1 का रिस्क रेट लेना है, रिवार्ड पे ट्रेड लेना है, या 1:2 का। जितना रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा रहेगा उतना हमारे चांस प्रॉफिट के बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आपने 1:4 का रखा, यानी कि जाएगा तो 1 रुपया और आएगा तो 4 रुपये, और आप 4 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 2 में जीत जाएंगे और 2 में हार भी जाएंगे, तो आपका कुल जो पैसा रहेगा, जो टोटल लॉस बनी रहेगी वो 2 रुपये रहेगी, और जो टोटल विन बनी रहेगी वो 8 रुपये रहेगी। तो ओवरऑल आप फिर भी 6 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे, 1 रुपये उसमें से ब्रोकरेज काट दीजिए तो ओवरऑल आप 5 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपका गया 1 रुपया, आया नेट 5 रुपया। इस तरह से आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान, रिस्क रिवार्ड सारी चीज़ें फॉलो करके ही ट्रेड लें दोस्तों, तभी आप मार्केट में एग्जिस्टेंस बना पाएंगे और अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में,